दिवाली के पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया है। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस ऐलान से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 1,01,332 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सबसे पहला जो बड़ा फैसला आज लिया गया है वो है किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं मेन आइटम्स उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। दो बड़े एलिमेंट्स हैं, एक है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे नौ एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीजें आप अगर ढंग से देखेंगे उनका सीधा साधा एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से, सस्टेनेबल फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास परिवारों की थाली से।